ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, सीता ने पार की तो रामायण छिड़ी थी, तुम करोगे तो महाभारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते की रिलीज हुई फिल्म मुंबई सागा के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में कितने करोड़ की कमाई कर ली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मुंबई सागा, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी और काजल अग्रवाल। दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 2200 से 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि यह फिल्म रिलीज होते ही पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमाई करके सिनेमाघरों में वापस ऑडियंस को खींच लाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई सागा फिल्म को पहले दिन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में तो काफ़ी ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिली थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के जो नाइट शोज है वो पूरी तरह से डाउन हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे क्षेत्र में नाइट का कर्फ्यू लग चुका था, जिसके कारण मुंबई सागा के जो नाइट वाले शो है वो पूरी तरह से बहुत सारे एरियाज में कैंसिल हो गए, जिसके चलते ही दोस्तों मुंबई सागा फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कहीं ज्यादा कम कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, हम सबको क्या उम्मीद थी कि मुंबई सागा फिल्म अपने पहले दिन लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लेगी, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए फिल्म के पहले दिन के नेट और ग्रॉस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने पहले दिन उम्मीद आधी कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगभग 70 करोड़ के बजट में बनी मुंबई सागा फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़ रुपए की रेंज में किया है। वही इस फिल्म का पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 4.5 करोड़ रुपए रहा। लेकिन दोस्तों आप बात की जाए मुंबई सागा फिल्म के सेकंड डे कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों मुंबई सागा फिल्म को दूसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है लगभग 9% की, जो कि कहीं ना कहीं कल की ऑक्यूपेंसी से बेटर नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं, जिसके चलते फिल्म की जो सेकंड डे की एडवांस बुकिंग है वो भी काफी बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के आफ्टरनून शोज की एडवांस बुकिंग हो या इवनिंग शोज की एडवांस बुकिंग हो, इस फिल्म को कल से कहीं ज्यादा बेटर एडवांस बुकिंग मिल चुकी, जिसके चलते दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि मुंबई सागा फिल्म अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 3.5 करोड़ रुपए कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मुंबई सागा फिल्म का शुरुआती दो दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 6.5 करोड़ रुपए, वही दो दिनों में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ रुपए की रेंज में हो रहा है। अब दोस्तों जहां उम्मीद थी कि मुंबई सागा फिल्म अपने पहले ही दिन 6 से 6.5 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन मुंबई सागा फिल्म शुरुआती दो दिनों में 6.5 करोड़ रुपए कमा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात अच्छी है कि फिल्म के अच्छे रिव्यूज है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई सागा के जो कलेक्शन है वो कल यानी कि संडे और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छे रिव्यूज के चलते ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक लंबी रनिंग कर सकती है और फिल्म के फाइनल कलेक्शन शायद 50 करोड़ से भी ज्यादा के आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने मुंबई सागा फिल्म देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मुंबई सागा फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।